हेलो फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने कुछ बातें की थी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड थी और साइकोलॉजी के फैक्ट्स भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। तो उन्हीं फैक्ट्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2-3 मिनट, ताकि हमारी चेतना में वो सारी चीज़ें फिर से वापस रिकलेक्ट हो जाएंगी जो हमने पिछले वीडियोज़ में की थी, और आपको ये फाइनलाइजेशन भी हो जाएगा इस रिवीजन से कि ये जो टॉपिक हमने किया था पिछले वीडियो में वो आपको कितना याद रह पाया। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, उन्हीं टर्म्स में से कुछ टर्म्स मैं आज रिवीजन के तौर पर आपसे पूछूंगी, एंड इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। लेकिन ये रिवीजन आपके लिए ये प्रमाणित करेगा कि आपको पिछला वीडियो कितना ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आया। तो देखते हैं ये टर्म्स क्या है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, जो हमने बात की थी वो बात की थी विकासात्मक कार्य से। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विकासात्मक कार्य ये क्या है, एक टर्म है, ठीक है, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में इसको दिया जाए और पूछा जाए कि विकासात्मक कार्य का जो टर्म है वो कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया, एक तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि विकासात्मक कार्य से तात्पर्य है, विकासात्मक कार्य का अर्थ है, और फिर उस मनोवैज्ञानिक का नाम भी आपको दे दिया जाता है। तो क्या आपको पिछले वीडियो की ये टर्म याद है कि जो हमने टर्म की याद की थी उसमें एक मनोवैज्ञानिक का नाम भी हमने याद किया था इसी शब्द के साथ, इसी टर्म के साथ, जिसको हम आज डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, ठीक है। देखिए, मैं दोनों लैंग्वेजेस में इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों साथ लेकर इसलिए चल रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई सा भी टर्म दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपने सिर्फ हिंदी में इसका कर रखा है और इंग्लिश वर्जन आपको याद नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ पर एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए। इस वजह से हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम जो भी टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, हालांकि हमारा पेपर हिंदी में आएगा, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। उसी तरह से एक प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो आप कितने हजारों बच्चे पीछे चले जाते हो, और ये हजारों बच्चे आपसे आगे आ जाएंगे। इस वजह से हमें हिंदी और इंग्लिश का टर्म दोनों अच्छी तरह से आना चाहिए। तो विकासात्मक कार्य के लिए मैंने आपको जो टर्म बताया था, एंड दैट वॉज द इंग्लिश टर्म, व्हाट वॉज दैट? दैट वॉज कॉल्ड डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है। क्या था वो? वो था डेवलपमेंटल टास्क। विकासात्मक कार्य को ही हमने डेवलपमेंटल टास्क कहा था, और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये टर्म आपका दिया गया था हैविंग हर्स्ट द्वारा, ठीक है। आपको ऑप्शंस में दे दिया जाए सिगमंड फ्रायर, थ्रॉनडाइक, पावलोव एंड हैविंग हर्स्ट। तो हैविंग हर्स्ट ने ये टर्म दिया था, कॉइन किया था, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क या विकासात्मक कार्य। यहां तक तो बात हुई, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको ये टर्म के साथ कुछ व्याख्या भी की थी, और वो व्याख्या क्या थी? वो व्याख्या ये थी कि विकासात्मक कार्य से तात्पर्य क्या है, यानी कि बालक की प्रत्येक अवस्था में उससे कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं जुड़ी होती हैं, और इन्हीं सामाजिक प्रत्याशाओं को जब वो बालक पूरा कर लेता है तो उसके लिए हैविंग हर्स्ट ने टर्म यूज किया, दैट इज कॉल्ड विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंटल टास्क। जो अवस्था है उसी अवस्था से संबंधित वो प्रत्याशा की जा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी अवस्था है और प्रत्याशा बालक से कुछ दूसरा किया जा रहा है, ऐसा नहीं। जैसे किशोर अवस्था में बालक से क्या प्रत्याशा की जाती है, किशोर अवस्था में सामाजिक प्रत्याशा रहती है कि बच्चा अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपना करियर का निर्माण करे, अपने भविष्य का निर्माण कर ले, या तो वो IITian बन जाए या गवर्नमेंट जॉब लग जाए या डॉक्टर बन जाए, सब अच्छी अच्छी सामाजिक प्रत्याशा जो है वो उस बालक से जुड़ी हुई होती है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि 60 साल की उम्र का जो व्यक्ति है उससे अगर प्रत्याशा की जाए कि ये अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर ले, तो सुनहरे भविष्य का निर्माण से क्या उसकी सामाजिक प्रत्याशा मैच हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही हमने चीज सीखी थी कि किसी अवस्था में, किसी निश्चित अवस्था में, जो इतनी बाल विकास की जो अवस्थाएं हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो प्रत्येक अवस्था से एक सामाजिक प्रत्याशा जुड़ी होती है, और बालक से यह अपेक्षा की जाती है कि वो उस सामाजिक प्रत्याशा में खरा उतरे, ठीक है। तो दैट वॉज कॉल्ड बाय हैविंग हर्स्ट, दैट इज नोन एज विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंटल टास्क।
एक टर्म हमने और सीखा था, दैट इज कॉल्ड द लॉ और द टर्म कॉल्ड रेग्रेशन, प्रत्यागमन। अब हम सभी को आता है, हम सभी ने सीख रखा है कि प्रत्यागमन में हमने एग्जाम्पल भी याद कर रखा है कि 25 वर्ष का युवक अगर उसे नौकरी में असफलता प्राप्त होती है तो वो क्या करता है, वो 6-7 साल के बच्चे जैसे रोने लगता है। इसी को हमने कहा प्रत्यागमन। तो यानी कि प्रत्यागमन मतलब क्या हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ वापस पीछे की ओर लौटना। यहां तक तो हमने सभी ने अच्छी तरह से किताबों में पढ़ रखा है, लेकिन आपको पता है कि मेंडल्स लॉ में भी इसी टर्म का यूज किया गया है इन अ साइंटिफिक मैनर, वैज्ञानिक तरीके से, जिसको कहा गया है प्रत्यागमन या रेग्रेशन। तो देखते हैं क्या है ये प्रत्यागमन या रेग्रेशन, इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो देखिए मैं दोनों वर्जन आपके सामने लिख रही हूं, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज रेग्रेशन और हिंदी में इसे कहा जाता है प्रत्यागमन। ठीक है, पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर जाना, जैसे कहा गया है ना वेदों की ओर लौटो, तो वैसे ही ये टर्म है प्रत्यागमन या रेग्रेशन जिसको हम कहते हैं। ये कहां पर यूज हुआ है, तो देखिए हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं फिर से आपको बता देती हूं कि ये टर्म यूज हुआ है कहां पर, मेंडल्स लॉ में भी इसका प्रयोग किया गया है। मेंडलिज्म, पाइसम सटाइवम, मटर और चूहे पर प्रयोग किया गया और क्या निष्कर्ष निकाला गया कि सारी वर्ण संकर जातियां, जितना भी आप वर्ण संकर की प्रक्रिया करेंगे उसमें लास्ट में इवेंचुअली परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमें क्या होगा, जो बिल्कुल सामान्य स्तर है वो प्राप्त कर लिया जाता है। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम और इस टर्म को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हमने देखा क्या देखा, जैसे ये एक पीढ़ी है, फर्स्ट जेनरेशन, राइट, ये एक पीढ़ी है और उसके बाद दूसरी जेनरेशन आएगी, फिर तीसरी और फिर चौथी और फिर पांचवी एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे चलती चली आ रही है, बात क्लियर हुई। अब ये जो पीढ़ियां आगे चलती आ रही हैं, इसमें हुआ क्या है कि जो फर्स्ट जेनरेशन है, फर्स्ट जेनरेशन के लोग बहुत ही ज्यादा गोरे हैं, ठीक है। तो यहां पर आहार सभ्यता के जो बर्तन पाए गए हैं उनको गोरे और काठे के नाम से भी संबोधित किया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं दे आर हैविंग द कॉम्प्लेक्शन दैट इज फेयर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन के जो लोग हैं वो काले हुए, थर्ड के काले, फोर्थ के काले और फिफ्थ में वापस क्या हुआ है, जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें गोरे व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो गोरा है, फेयर है और वो उसी जनरेशन की आगे आने वाली पीढ़ी है, उससे संबंध रखते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये मेंडलिज्म के लॉ से हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रत्यागमन या रेग्रेशन। और इस रेग्रेशन में क्या हुआ, तो यहां पर इतनी सारी पीढ़ियों का तो कोलैप्स होके फिर ये जो जीन्स जो फर्स्ट जनरेशन में पाया गया था, देखिए हमने फिर से डिस्कस किया था, हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं इस बात को, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स होते हैं, एक होता है सक्रिय जीन्स और एक होता है निष्क्रिय जीन्स, ठीक है, यहां तक बात की थी हमने। तो इस निष्क्रिय जीन्स में क्या हुआ था कि फर्स्ट जनरेशन में जो सक्रिय जीन्स था वो था फेयर कॉम्प्लेक्शन का और जो निष्क्रिय जीन्स था वो था डार्क कॉम्प्लेक्शन का, वो निष्क्रिय ही रहा, ठीक है। तो यहां पर ये सारे लोग जो फर्स्ट जनरेशन में थे वो कैसे थे, गोरे, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में जो जीन्स सक्रिय हो गया, जब निष्क्रिय जीन्स सक्रिय की भूमिका ले लेता है, तो ऐसा भी उसमें ये मेंडलिज्म वाले लॉ में हमने पढ़ा था। तो निष्क्रिय जीन्स जो है अब उसने सक्रिय जीन्स की भूमिका ले ली और अब आप देखते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में जो लोग पैदा हो रहे हैं इसी क्लस्टर में, इसी जनरेशन में, तो यहां पर इसको जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें F1, F2, F3 जनरेशन कहा है, तो ये भी आपको एक दिमाग में रखना है रफ आइडिया। तो यहां पर ये निष्क्रिय जीन्स जो है वो सक्रिय जीन्स की भूमिका इन्होंने ले ली है और सारे लोग जो है वो कैसे पैदा हो रहे हैं, दे आर हैविंग ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, ये बात हो गई थी।
लेकिन मैंने इससे रिलेटेड आपको बलबन का एग्जाम्पल भी दिया था कि गुलाम वंश की स्थापना हुई, सुल्तान हुए, सारे राजा बन गए, लेकिन अंततः जाकर फिर क्या हुआ, जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का निर्माण किया था, उसी चालीसा दल में से एक व्यक्ति पॉपअप होता है जिसका नाम होता है बलबन। वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके और सिंहासन जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर ये जो बलबन है ये क्या था, ये बलबन भी चालीसा दल में ही था और गुलाम था, और इसने वापस सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया। तो पहले गुलाम थे, फिर सुल्तान बन गए, और सुल्तान के बाद वापस जो है गुलाम ने स्थापना कर दी। तो ये क्या बात हुई, तो यहां पर इसी को हम कह रहे हैं कि जो निष्क्रिय जीन्स है वो कभी कभी सक्रिय बन जाते हैं रेंडमली, राइट। लेकिन लास्ट में जाकर क्या हुआ कि जो फिफ्थ जनरेशन आई उसमें फर्स्ट जनरेशन का गुण जो है वो दिखाई दिया। देखिए इस तरह से एरो बना रही हूं मैं। फर्स्ट जनरेशन का जो फेयर कॉम्प्लेक्शन का गुण था वो हमें कौन सी पीढ़ी में दिखाई दे रहा है, पांचवी पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। आप भी कहते हैं ना कि भाई ये तो ना तो माँ बाप जैसा लगता है बच्चा, ना इसके दादा दादी जैसा, ना नाना नानी जैसा, हम सब तो काले हैं, ये पता नहीं अचानक से इतना सुपर वाइट रिन सफेदी गोरा बच्चा कैसे पैदा हुआ, इट इज हार्ड टू बिलीव। तो यहां पर फिर वो एक कल्पना करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ हमारी पीढ़ियों में कोई व्यक्ति, हमारे कोई जनरेशन जो ऐसी है जो हमारी पीढ़ियों में गोरी रही होगी, वो जनरेशन अब वापस सक्रिय हो गई है, और इसी वजह से ये इस बच्चे का जो रंग है वो गोरा है जबकि हम सारे लोग जो है वो काले हैं। तो ऐसा किस लिए हुआ, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिग्रेशन, दैट इज कॉल्ड प्रत्यागमन। पांचवी पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी के गुण दिखाई दे रहे हैं, इसको हमने कहा था मेंडलिज्म का एक सिद्धांत, और इसी को हमने कहा था पीछे की ओर लौटना, वेदों की ओर लौटना। उससे आपको याद रहेगा प्रत्यागमन मतलब उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जबकि अभी तक हमने अपने ज्ञान को यहीं तक सीमित कर रखा था कि प्रत्यागमन मतलब हाँ पीछे की ओर लौटना, और इसमें था कि 25 साल का जो युवक है वो 6 साल के बच्चे जैसे रो रहा है। लेकिन इस लॉ में भी आपको ये वर्ड, ये टर्म इंक्लूड करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन या प्रत्यागमन। अब आप बताइए क्या ऐसी चीज आपको लग रही है जो आपको याद करनी पड़ रही है, और याद भी कैसे, एग्जाम के प्रेशर में बाध्य होके आप सारी दुनिया के जो एक्टिविटीज हैं वो छोड़ के आप बाध्यकारी रूप से ये सारी चीजें याद कर रहे हैं। इट इज नथिंग लाइक दैट, सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं आपको इतना सिंप्लीफाई तरीके से समझाने वाली हूँ कि कोई चीज़ आपकी एक्सेस से बाहर नहीं रहेगी, इट इज़ एवरीथिंग विच इज एक्सेसिबल टू यू। देखिए आजकल आधुनिक युग के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है सभी को। तो यहाँ पर पहले जो इंटरव्यूज़ हुआ करते थे कि मेरे पास संसाधन नहीं थे पढ़ने के, कोई टीचर नहीं था पढ़ाने वाला, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं था, तो मैं पढ़ती कैसे, इस तरह के जो टर्म्स हैं वो बताए जाते थे। लेकिन आज के युग में क्या हो रहा है, यू हैव एम्पल ऑप्शंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब आप YouTube से पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, आप Google से पढ़ सकते हैं, ये सूचना का युग है। और इस सूचना के युग में अब एक प्रश्न जो खड़ा हो रहा है वो ये क्या है कि इतने सारे YouTube वीडियोस में इट इज़ योर परसेप्शन, ये आपका विवेक है कि इतने सारे वीडियोस में से आप कौन सा वीडियो अपने लिए बेनिफिशियल समझते हैं, अपने लिए उपयोगी समझते हैं, कि हाँ इस वीडियो से पढ़कर मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और मैं एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस आएंगे इसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाऊंगा। सो इट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर परसेप्शन, आपके खुद के विवेक पर निर्भर करता है। जैसे स्वविवेकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी जाती हैं, उसी तरह से आपका ये स्वविवेक है कि इतने सारे भंडार गृह में, स्टोर हाउस ऑफ द वीडियोस, यूट्यूब चैनल, तो इसमें कौन सा वीडियो सेलेक्ट करके आप सफलता प्राप्त करते हैं, तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मान के चलिए, ये विश्वास बनाए रखिए कि ये जो वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं पूरी ईमानदारी से दिए जा रहे हैं, इसमें मैंने कहीं से भी कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, नॉट इवन दी एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, इसकी व्याख्या सारी मेरी है, मैंने कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। लेकिन हाँ,
इस कट कॉपी पेस्ट के बिना भी ये जो मैटर आपको दिया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको हर कुछ बता दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसका प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन तब होगा जब आपको क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि डेवलपमेंटल टास्क क्या है, इस तरह से हमने देखा कि मेंडलिज्म में ये सक्रिय और निष्क्रिय जीन्स क्या है और प्रत्यागमन का नियम क्या है। तो यहाँ तक हमें समझ आ चुका है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए मेरा फोकस रहेगा हमारे टॉपिक पर एंड आवर टॉपिक इज बाल विकास। बाल विकास से संबंधित जितने भी सिद्धांत आते हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि विकास से संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो आपका फैक्टफुल आता है या कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड आ सकता है, एक क्वेश्चन इसकी थ्योरी में से होगा एंड दी अनादर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दी प्रिंसिपल्स गिवन बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट। जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, अपना अपना योगदान दिया है किसको परिभाषित करने में, बाल विकास को परिभाषित करने में उन्होंने जो नियम दिए हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पुट अप होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप मान लीजिए इसकी भूमिका में से पुट अप हुआ कि विकास क्या है, परिपक्वता और अधिगम का गुणनफल है, योगफल है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा सिद्धांत में से, और आपको सिद्धांत आने चाहिए। तो हमने जो सिद्धांत सीखे उसमें अभी तक ये सीखा कि ब्रॉनफेन बैनर का सिद्धांत था पारिस्थितिकीय सिद्धांत, इकोलॉजिकल मैनर, और उस इकोलॉजिकल मैनर में उन्होंने कितने जो सिस्टम्स थे वो बताए थे, कितने लेवल्स बताए थे, कितने मंडल बताए थे, स्फीयर्स। सो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको गाना याद रखना है राजस्थानी वाला कि मेरी सास के 5 पुत्र थे, ठीक है, मेरे ही कर्म में बावलिया लिखा था। तो इस तरह से ये जो गाना है इससे आपको याद रहेगा कि ब्रॉनफेन बैनर जिसने अपना सिद्धांत 1973 में दिया तो उसमें कितने मंडल थे, कितने मंडल थे, मेरी सास के 5 पुत्र थे। तो यहाँ पर मंडल कितने होंगे, 5, और उन 5 में से आपसे कोई भी रेंडमली पूछ लिया जाएगा कि कौन से मंडल में बच्चा जो है वो अंतरक्रिया करता है, अपना इमीडिएट मंडल उसका कौन सा है, फिर सबसे बाहरी मंडल कौन सा है, जो घटक मंडल है उसको आप किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह से ब्रॉनफेन बैनर का सिद्धांत जो था वो वातावरण से संबंधित था, और मेंडल का सिद्धांत जो था वो आपके जीन्स और गुणसूत्रों और परिपक्वता से संबंधित था, जैविक था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विकास में जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वंशक्रम और वातावरण, तो इससे रिलेटेड हमने दो मनोवैज्ञानिकों से संबंधित जो सिद्धांत थे वो पूरे कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में हमें और क्या आगे पढ़ना है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हुई, एक बार माइंड में सब कुछ सेट हो गया, समझ में आ गया, तो मेरे ख्याल से लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इन वीडियोस को बार बार देखें, ये रिकॉर्डेड है, इनको डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और बार बार देखने के बाद सुनने के बाद हमें सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती है और कंठस्थ भी हो जाती हैं। ठीक है, सो प्रोसीडिंग टू द अनादर टॉपिक रिलेटेड टू द डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड सिगमंड फ्रायड प्रिंसिपल। कौन है ये सिगमंड फ्रायड, इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हमें याद रखनी है और क्या क्या समझना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं सिगमंड फ्रायड की थ्योरी। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को क्या कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जानते हैं, कहा जाता है क्या, साइको एनालिटिकल, साइको एनालिटिकल थ्योरी, राइट। ये तो इनकी थ्योरी का नाम हो गया, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, वो सब हम सब जानते हैं कि साइको एनालिटिकल थ्योरी इनकी थ्योरी का नाम है। फिर इसका हिंदी रूपांतरण कर लेते हैं, मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, यहां तक भी मैं अपेक्षा करती हूं कि आप सभी को आता है, मनोविश्लेषणवाद एंड साइको एनालिटिकल थ्योरी। द सेकेंड पॉइंट इज, देखिए आजकल कुछ प्रश्नों की प्रकृति इस तरह से भी हो गई है कि सिगमंड फ्रायड कहाँ से बिलोंग करते थे वो पूछा जाता है, तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, ये एक दूसरा पॉइंट हो गया जो कि याद करने का है। फर्स्ट पॉइंट थ्योरी कौन सी थी, साइको एनालिटिकल, सेकेंड पॉइंट कहाँ से थे, ऑस्ट्रिया से थे, थर्ड पॉइंट ये कौन थे, मीन्स बाय प्रोफेशन इनका प्रोफेशन क्या था, तो इनका प्रोफेशन था क्या, इनका प्रोफेशन था साइकियाट्रिस्ट का। ठीक है, ये पेशे से साइकियाट्रिस्ट थे, और इन्होंने किया क्या, ये साइकियाट्रिस्ट थे, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे और मनोविश्लेषणवाद की थ्योरी दी,
और इसी मनोविश्लेषणवाद की थ्योरी में आपको ये शब्द भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड द स्कूल, ठीक है, स्कूल। तो यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद स्कूल के जनक किसे माना जाता है, तो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। ये बात तो क्लियर हुई, लेकिन ये सारी बातों से परे जो बातें समझने की है उस पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे कि ये साइकेट्रिस्ट थे और माइंड से रिलेटेड सारी इनकी जो बातें थी वो चलती रहती थी, इनके माइंड में चलती रहती थी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो नैदानिक परिस्थितियों में, नैदानिक परिस्थितियों में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद की व्याख्या की। नैदानिक परिस्थितियां मतलब क्यों लोग ऐसे बिहेव करते हैं, क्या बात है, क्या कारण है। तो निदान मतलब क्या होता है, निदान मतलब होता है कारण, निदान मतलब होता है रीजंस। तो यहां पर सिगमंड फ्रायड ने बहुत सारी एक्टिविटीज के रीजंस को समझने की कोशिश की, दैट व्हाट आर द रीजंस व्हिच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्टिविटी। जैसे हम भी पढ़ते हैं ना कि एक क्लास में बच्चा जिसको सारे आंसर्स आते हैं लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहा है, व्हाट आर द पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट, व्हाई दैट स्टूडेंट इज नॉट गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इवन दो इफ ही और शी इज नोइंग द आंसर परफेक्टली, तो उसका रीजन क्या है। तो नैदानिक परिस्थितियों में इन्होंने ऐसे स्कूल की स्थापना की जिसे कहा गया मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो यहां पर भी क्या आ रहा है, एनालिटिकल, विश्लेषण, किस चीज का विश्लेषण किया, तो माइंड से रिलेटेड सारी बातें इन्होंने जानने की कोशिश की, दैट व्हाट आर दोज पर्टिकुलर रीजंस बिहाइंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी डन बाय अ पर्सन। ठीक है, अभी हम स्कूल में बाद में आएंगे, पहले हम मनोविज्ञान की चर्चा कैसे कर रहे हैं, सिगमंड फ्रायड के नजरिए से कर रहे हैं। और ये सिगमंड फ्रायड ने एक सबसे अपनी चर्चित किताब लिखी और उस किताब का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, द नेम ऑफ दैट बुक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। चौथा पॉइंट आपका क्या होगा, बुक का नाम इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। क्या नाम रखा उन्होंने, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उनकी बुक जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई, ईयर भी लिख सकते हैं आप 1899, हालांकि कभी पूछा नहीं जाता। अब आप अगर कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए गए हों तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी आपको दवाई देने से पहले डायग्नोसिस किया जाता है, निदान किया जाता है, कारण जाने जाते हैं कि अगर आपको कोई समस्या है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, और उन कारण में वो डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, और उन क्वेश्चंस के बीच में आप पाइएगा कि एक क्वेश्चन होगा कि आपको सपने में कोई आता है क्या, आपको कुछ विचित्र प्रकार के स्वप्न आते हैं, क्या आपको ड्रीम्स में डर लगता है, क्या आपको ड्रीम्स में ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ड्रीम्स जो हैं, आप किसी के द्वारा मार दिए गए हो, या सांप के सपने आ रहे हैं, या कोई विचित्र प्राणी, या आपके पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के ड्रीम एनालिसिस करने की कोशिश वो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपसे क्यों पूछते हैं, तो उसका कारण भी क्या है, दैट ऑल दोज ड्रीम्स हैज देयर पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, इनकी अपनी स्वयं की खुद की महत्ता होती है। जिस तरह के ड्रीम्स, जिस तरह के स्वप्न, जिस तरह के स्वप्नों की कैटेगरी आपकी है, उसी तरह से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एंड दीज ड्रीम्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप जो भी सोचते हैं, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, जिस तरह की आपकी मानसिक विचारधारा है, वो सब कहाँ नजर आ जाएगी, उसका मिनिएचर फॉर्मेट। जैसे पूरा संविधान अगर किसी को नहीं पढ़ना हो तो उसका मिनिएचर फॉर्मेट क्या है, प्रस्तावना, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इसमें पूरे के पूरे संविधान की मुख्य बातों का समावेश किया गया है। उसी तरह से हमारे जो सपने हैं, उन सपनों में हमारे सारी सोच और टेंडेंसी और विचारधाराओं का समावेश कर लिया जाता है, और पर्टिकुलर उसी तरह के सपने हमें आते हैं। तो इसी तरह से सिगमंड फ्रायड, क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट थे और उन्होंने जो बुक लिखी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जो आपको याद भी रखनी है, और ऑटोमेटिकली मैंने जो इतना विस्तार से व्याख्या की है आपको याद ही हो जाएगी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है
वही विश्लेषण टाइप। इंटरप्रिटेशन को आप क्या कह सकते हैं? विश्लेषण। तो यहां पर इन्होंने सपनों का विश्लेषण किया और अपनी इस बुक में लिखा कि किस तरह के सपने से क्या आपको अनुभूति होती है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बुक से आप समझ गए होंगे कि सिगमंड फ्रायड हमें किस तरह की अनुभूति से परिचित कराना चाह रहे हैं, दैट इज टू अस। ये हमारे स्वयं के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा माइंड जो है वो किस तरह से सोचता है, किस तरह की विचारधाराएं मनुष्य सोच सकता है, किस तरह के थॉट्स होते हैं और उन थॉट्स में क्या क्या जो प्रोसेसिंग है, जो प्रक्रिया है वो की जाती है। तो सिगमंड फ्रायड आपके किससे रिलेटेड हुए? विकास से संबंधित हुए। और इस विकास में वो किससे संबंधित होंगे? और मनोविश्लेषणवाद यानी कि चेतना से संबंधित। ठीक है, तो अब इस चेतना से संबंधित उन्होंने क्या क्या बताया उससे रिलेटेड मैं फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स आपसे साझा करूंगी। तो ये सारी चीजें आपको, इसमें से कुछ चीजें ऐसी लगेगी कि आपको आती है और कुछ चीजें ऐसी लगेगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी। लेकिन ये वीडियोस जो डिजाइन किए गए हैं वो आपके रीड के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि रीड में जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। तो यहां पर ये जो स्टफ दिया जा रहा है ये रीड के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। तो निश्चिंत रहें और इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहें। तो यहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स हमने कवर अप कर लिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगी और बात करते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में या इस बुक में या सिगमंड फ्रायड ने सबसे अपने मुख्य सिद्धांत में मेन रूप से कोर कंटेंट जो है वो क्या बताया। इन्होंने बताया कि मानव व्यवहार का, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर इस वीडियो को बार बार देखें उससे भी याद हो जाएगा, मानव व्यवहार का मूल आधार, मानव व्यवहार का मूल आधार, ठीक है, बेसिक, द बेस, फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल यू कैन से, मानव व्यवहार का मूल आधार, अब मैं कलर चेंज कर रही हूं, मानव व्यवहार का मूल आधार क्या होते हैं? इंस्टिंक्ट्स होते हैं। और इंस्टिंक्ट्स को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई? द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स रिटन बाय सिगमंड फ्रायड एंड दैट सिगमंड फ्रायड इज इंटरप्रिटेटिंग वॉट द लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड, उन्होंने ये माना कि मानव व्यवहार का मूल आधार क्या है? इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्तियां हैं। तो यहां पर अगर आपसे MCQs में रीट में पूछ लिया जाए कि मानव व्यवहार का मूल आधार सिगमंड फ्रायड ने क्या माना है, मूल प्रवृत्ति माना है, जीन्स माना है, वातावरण माना है, मनोविश्लेषण माना है, तो आप क्या इसका आंसर देंगे? तो यहां पर हमारा ऑब्वियस आंसर होगा मूल प्रवृत्ति। यहां तक हम सभी जानते हैं, इतना मैं अपेक्षा आपसे कर सकती हूं। लेकिन मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता क्या है भाई? ये जो मूल प्रवृत्ति की हम बात कर रहे हैं तो ये मूल प्रवृत्ति और इंस्टिंक्ट्स मतलब होता क्या है? What do you mean by मूल प्रवृत्ति, या फिर आप इसको define कैसे करेंगे? अब इन मूल प्रवृत्तियों को समझने के लिए हम कुछ examples लेंगे। और ये मूल प्रवृत्तियां और instincts होती क्या हैं? They are just like reflex actions। ये स्वतः होती हैं, ठीक है? Reflex action and they are automatic also। ये स्वतः की जाती है। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, जो instincts होते हैं, वो स्वतः होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, दे आर नेवर अनलर्न, दे आर नेवर लर्नड, ये कभी याद नहीं किए जाते, समझे नहीं जाते, कुछ नहीं होता इसमें, बट दे आर ऑटोमेटिक इन एक्शन। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑटोमेटिक इन एक्शन? तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल से आपको मूल प्रवृत्ति का मतलब समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। कि जैसे अगर मैं कहूं कि भरतपुर में घाना पक्षी अभयारण्य में साइबेरियन क्रेन मौसम परिवर्तन होते ही आ जाते हैं, ठीक है, तो अब ये साइबेरिया से जो ये क्रेन आते हैं, अब इनकी मूल प्रवृत्ति क्या है? क्या इनको इतने हजारों मील का रास्ता कोई बताता है, कोई साइन बोर्ड होता है? कुछ भी नहीं। ये इनकी मूल प्रवृत्ति होती है कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है ये माइग्रेशन करते हैं,
ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, ये एक्सट्रीम सीजन की कंडीशन से बचने के लिए ये जो है वो माइग्रेशन करते हैं। तो साइबेरियन क्रेन की मूल प्रवृत्ति क्या हुई, इनको किसी ने नहीं सिखाया कि देखो ठंड पड़े तो ऐसा करना, वहाँ पर चले जाना, ज़्यादा ठंड पड़े तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट होता है, और भरतपुर में गाना पक्षी अभ्यारण्य में विचरण करना। तो यहाँ पर इनको ऐसा कोई नहीं समझाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऐसा करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट। ठीक है, फिर आपने आजकल YouTube का ज़माना बहुत चल रहा है, तो आपने एक एग्जाम्पल और देखा होगा मोटिवेशनल वीडियोज में ईगल से रिलेटेड, ईगल और हॉक यू कैन से। तो यहाँ पर ये जो गिद्ध या ईगल है, ये बूढ़ा होने पर क्या करता है, अपने आप को आइसोलेट कर देता है। इतना बूढ़ा भी नहीं, मतलब इसके जो पैर हैं वो कब्र में नहीं लटक रहे हैं, सिंपली जर्जर अवस्था में है ये, थोड़ा सा डीफॉर्म्ड हो गया है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को आइसोलेट कर देगा, एक एकांत जगह पे चला जाता है। ये कहते हैं कि ये पर्वतों की ओर विचरण करता है, वहाँ चला जाता है, और वहाँ पर जाकर ये क्या करता है, अपनी चोंच जो है उसको खुरच कर, कुरेद कर हटा देता है, अपने पंख जो है वो सारे झड़ने लगते हैं उसके, उसकी जो आँखें हैं उसकी पलकें जो है वो सारी गिरने लगती हैं, और ऑल दीज शेडिंग एंड डीफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज डन बाय द ईगल। उसको उसमें बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, लेकिन उसके बाद जब ये पीड़ा वो भुगत चुका होता है, उसके बाद वापस उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो वॉट इज दैट? दैट इज मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट। अब ईगल को, हॉक को किसी ने नहीं सिखाया कि देखो ऐसा हो तो बेटा ऐसा करना, माउंटेन पे चले जाना और वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, आराम से वहाँ पर आइसोलेशन में रहना और इस तरह के कार्यक्रम वहाँ पर तुम्हारे साथ होंगे, ऐसा किसी ने नहीं समझाया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली होता है। सो वॉट इज दैट? दैट इज ऑटोमेटिक एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, स्वतः होने वाली क्रियाएं को ही हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं, को ही हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। मूल प्रवृत्ति को ही इंग्लिश में इंस्टिंक्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर, और हमने एक साइंस का एक टर्म पढ़ा होगा, अगर हम दसवीं तक पढ़े लिखे हैं तो रीट में तो जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके बीएड हैं, तो बीएड एंड ग्रेजुएशन दे आर आस्किंग फॉर। तो यहाँ पर आपने टेंथ क्लास जब पास की है तो उसमें नाइन्थ और टेंथ की बुक्स में आता है एक एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। एंड वॉट इज दैट हाइबरनेशन? यहाँ पर ठंड पड़ते ही जो सारे के सारे जानवर हैं बर्फीले इलाकों के, वो सारे जानवर जो हैं वो ठंड के लिए अपना खाना इकट्ठा पहले ही कर लेते हैं, और ठंड के समय वो गहरी निद्रा में, एक डीप स्लीप में सो जाते हैं। सो वॉट इज दैट? दे आर जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। वो अनुकूलन करने की कोशिश कर रहे हैं वातावरण के साथ। अब उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है और उसमें शिकार नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए वो व्यवस्था, वो प्रबंधन पहले ही कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। अब क्या उनको कोई सिखा रहा है कि देखो बेटा ठंड आएगी तो ऐसे ऐसे कर लो, पहले से ही RBI में अपना जो कलेक्शन है वो स्टोर करके रख लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा उनको किसी ने नहीं बोला। बट वॉट इज दैट? दैट इज इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति। ये स्वतः होगी, ऑटोमेटिक होगी, अनलर्न्ड होगी, पहले आपने कभी नहीं सीखा इसके बारे में, लेकिन अचानक से जो परिस्थिति आएगी उससे रिलेटेड आप निपटने में अपने आप को सामर्थ्य महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट। अब मेरे ख्याल से इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि सिगमंड फ्रायड ने मानव व्यवहार का मूल आधार क्या माना, मानव व्यवहार का मूल आधार माना मूल प्रवृत्ति, दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। और ये मूल प्रवृत्ति को साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, इट कैनॉट बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली, बट वी डू फील एंड वी डू हैव अ काइंड ऑफ सेंसेशन रिलेटेड टू इट। हम इसको फील कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है और प्रॉपरली अरेंज्ड होता है। अब ये प्रॉपरली अरेंज्ड कैसे हुआ, दैट cannot बी डिफाइंड इन अ साइंटिफिक मैनर। अब शिशु जन्म लेते ही जो है उसकी जो खाने की व्यवस्था है, उसकी जो सकिंग का जो आदत है उसकी, तो ये आदत कैसे डेवलप हुई nobody knows। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है कि जन्म लेने के बाद उसे नेक्स्ट स्टेप अपने खाने की प्रबंधन की व्यवस्था कैसे करनी है, बाय सकिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ उसको किसी ने नहीं सिखाई, बट दैट इज ऑटोमेटिक।
तो यही चीज सिगमंड फ्रायड बताना चाह रहे हैं कि मानव व्यवहार में कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो समझाई नहीं जा सकती, बट दे आर टू बी डन ऑटोमेटिकली, ये स्वतः हो जाती हैं। जैसे हमने मूवीज में एक लाइन बहुत फेमस सुनी है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये पर्पसफुली डिज़ाइन नहीं की जाती, ये ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो इससे रिलेटेड आपको इंस्टिंक्ट और मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड नाम याद रखना है सिगमंड फ्रायड का, और इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए, ईगल का एग्जांपल दिया, साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल दिया, एक शिशु का एग्जांपल दिया और हाइबरनेशन का एग्जांपल दिया। सो बाय दिस आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टर्म दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है ये हमें समझ में आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टेबल की ओर, जो कि हमारा सिद्धांत चल रहा है सिगमंड फ्रायड का, उसमें आगे की कहानी और क्या है। अभी तक की कहानी हम सीख चुके हैं कि उसने बुक लिखी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, मूलतः वो साइकेट्रिस्ट थे, ये भी हम जान चुके, कहाँ से थे, ऑस्ट्रिया से थे, ये भी हम जान चुके, इनकी थ्योरी क्या है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये भी हम जान चुके। तो इसमें से आधी से ज़्यादा बातें आपको पता होंगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ इस वीडियो में, उससे ये बातें आपके माइंड में चीर स्थाई बन जाएंगी, ये अमिट हो जाएंगी। आपके एग्जाम के बाद भी अगर आपसे पूछा जाए कि मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या है, तो आप इसको बहुत अच्छे से परिभाषित कर सकेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि एग्जाम के बाद हमारे क्या काम का ये? बिल्कुल काम का है। देखिए, कब कौन सा ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, ज्ञान कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होता, अप्रचलित नहीं होता, हमेशा ये कहीं ना कहीं काम आएगा। तो जिस तरह से मैंने इस ज्ञान को एकत्रित किया है, सीखा है, वैसे हम सभी करते हैं, दिस इज़ द ऑटोमेटिक प्रोसेस, और इसको सीखें और इसको सीखने में आनंद लें। जैसे ही आप आनंद लेंगे, पढ़ने को इंजॉय करने लगेंगे, फिर देखिए आपको ये पढ़ाई, ये तैयारी में प्रेशर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने क्या किया, साइको एनालिटिकल थ्योरी में बताया कि मानव व्यवहार का मूल आधार क्या है, इंस्टिंक्ट है, एंड दे कैनॉट बी साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड। अब देखिए, हमने इंस्टिंक्ट्स की चर्चा कर ली है, हमने मूल प्रवृत्ति की चर्चा कर ली है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, दैट इज कॉल्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स और मूल प्रवृत्ति इज डिफाइंड बाय सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने दो तरह की मूल प्रवृत्ति बताई, मूल प्रवृत्ति मतलब हम समझ गए। अब ये मूल प्रवृत्ति में प्रकार कितने बताए हैं, दो तरह के प्रकार इन्होंने बताए हैं, और वो दो तरह के प्रकार कौन से हैं, एक तो जीवन की मूल प्रवृत्ति, जीवन की मूल प्रवृत्ति, और एक मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, जीवन और मृत्यु, ठीक है। दो तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं किसने, सिगमंड फ्रायड। देखिए, बहुत जल्दी नहीं चल रही हूं मैं, आराम से चल रही हूं ताकि आप इन फैक्ट्स को एब्जॉर्ब भी कर सके। तो जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति में आपने सीख रखा है क्या, आपने ये सीख रखा है कि जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, इरोस कहा जाता है। वैसे ही मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, थेनेटोस कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, जीवन मूल प्रवृत्ति पर रहेगा। अभी आपने इस कोरोना पेंडेमिक में भी देखा कि हर कोई व्यक्ति सब प्रयास कर रहा है ताकि वो बच जाए, उसका जीवन बच जाए। तो ये क्या है, जिजी विषा, इसको हम हिंदी में कहते हैं जिजी विषा, जीने की इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा को हम कहते हैं जिजी विषा। तो यहाँ पर जो सिगमंड फ्रायड ने मानव व्यवहार का जो मूल आधार, मूल प्रवृत्ति बताई है, उस मूल प्रवृत्ति में दो प्रकार बताए, और उन प्रकारों को हम कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और जीवन मूल प्रवृत्ति हमारा मेन फोकस रहेगा, इसको कहा गया है इरोस, ठीक है। अब ये इरोस क्या है, बेसिकली दिस इरोस इज द गॉड ऑफ लव, ठीक है। इस इरोस को क्या कहा जाता है, इस इरोस का शाब्दिक मीनिंग होता है द गॉड ऑफ लव, लव यू जिंदगी, आपने जो गाना सुना है आलिया भट्ट का। तो यहाँ पर जीवन जीने की इच्छा, जीजी विषा, इसी को ही हमने जीवन मूल प्रवृत्ति कहा है, और इसी को ही हमने इरोस कहा है। अब ये जो जीवन जीने की इच्छा है, जीवन जीने की इच्छा को मैंने क्या कहा, जीवन जीने की इच्छा को मैंने कहा इरोस।
जीने की प्रबल इच्छा को मैंने कहा इरोज। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब ये जो जीने की प्रबल इच्छा है, वो जीने की प्रबल इच्छा में हम क्या करना चाहेंगे? कुछ ना कुछ मूल प्रवृत्ति होगी कि हमारी जनरेशन आगे बढ़े, हमारा जो वंश है वो आगे बढ़े, मानव प्रजाति जो है वो ऐसे ही मल्टीप्लाई होते रहे। तो ये सारी हमारी जीवन जीने की इच्छाओं से रिलेटेड ही बात हुई कि मानव जो है वो समाजीकरण हो, उसका सोशलाइजेशन हो, सारे लोग जो हैं वो कोऑपरेट करें। अभी जैसे कोरोना में कहा गया है, पेंडेमिक में, कि क्या करेंगे, सारे लोग कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती से 100 से 200 लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगाए, हमेशा सैनिटाइजर का यूज़ करे। तो इस वजह से ये सारे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये किस लिए दिए गए हैं, कि हमारा समाज जो है वो एज इट इज रहे और उसमें प्रगति हो, ना कि अवनति। ये बात तो हमें पता है। अब आपने देखा जैसलमेर में जो कुलधरा गांव है, वहां पर ये कुलधरा गांव पता नहीं किस वजह से, किस कारण से, इसके कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाए, लेकिन कहा जाता है कि एक ही रात में ये पूरा का पूरा गांव जो है वो खाली कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आई होगी, तभी ये सब चीजें हैं। और आज वहां पर भूतों का बसेरा है, ऐसा कहते हैं। पायल की आवाज आती है और नल जो है उसमें से पानी अपने आप चलने लगता है, खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं। तो इसका रीजन क्या है? कुछ भी रीजन हो, लेकिन मानव प्रजाति तो वहां से विचरण कर गई, माइग्रेट हो गई, वहां पे तो अब खात्मा हो गया, विनाश हो गया। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो मानव की मूल प्रवृत्ति, जीवन जीने की जो इच्छा है, ये इतनी ज्यादा प्रबल है कि इस वजह से यहाँ पर इस मूल प्रवृत्ति को सिगमंड फ्रायड ने बहुत ज्यादा महत्व दिया। अब ये जो जीवन जीने की इच्छा है, इसमें मूल प्रवृत्ति, हमारे वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा वंश यहीं के यहीं रुक जाए। हम नहीं चाहते कि मानव प्रजाति जो है उसका खात्मा हो जाए, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, कि अचानक से सारे लोग जो हैं वो कहाँ चले गए, इनका विनाश कैसे हुआ, कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो इतिहासकार हैं, वो अलग अलग टिप्पणी देते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद राजतांत्रिक व्यवस्था थी तो वो खत्म हो गई, शायद बाढ़ आ गई होगी, शायद इस तरह का कोई वायरस आ गया होगा जो उनके विप्लव का कारण बना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन इंसान कभी भी नहीं ये चाहता कि उसकी प्रजाति जो है, जो होमो सेपियंस हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उनका विनाश हो जाए। ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता। अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहता है, अपने वंश को भी आगे बढ़ाना चाहता है, और मानव प्रजाति को भी प्रगति की ओर ले जाना चाहता है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर इस जीवन जीने की प्रवृत्ति में मूल प्रवृत्ति क्या होगी? यहां पर जीवन जीने की जो हमारी प्रबल इच्छा है, उसमें मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्रायड ने क्या मानी? सिगमंड फ्रायड ने यहां पर मूल प्रवृत्ति मानी है हमारी यौन मूल प्रवृत्ति, सेक्सुअल अर्जेस। अगर ये यौन मूल प्रवृत्ति होगी, और होती ही है, दिस इज ऑटोमेटिक, अभी मैंने बताया था कि ये इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्सुअल अर्जेस है, ये जो यौन मूल प्रवृत्ति है, यही तो हमारे जीवन को आगे बढ़ने में सहायता करती है, यही तो हमारे वंश को आगे बढ़ाती है, यही मानव प्रजाति को विनाश से बचाती है। अगर ये यौन मूल प्रवृत्ति नहीं होती तो आज हम और आप यहाँ पर नहीं होते। तो ये यौन मूल प्रवृत्ति ही मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, ऑटोमेटिक एक्शन है, जिसकी वजह से आज मानव प्रजाति जो है वो इस अर्थ पर सर्वाइव कर पा रही है। तो इस जिजीविषा में जो मूल प्रवृत्ति है वो मैं क्या लिखूंगी, जो सिगमंड फ्रायड ने मानी है, दैट इज कॉल्ड यौन मूल प्रवृत्ति। और ये जो मूल प्रवृत्ति है ये ऑटोमेटिक है, कोई नहीं सिखाता। दीज सेक्सुअल अर्जेस आर वेरी नेचुरल एंड दे आर अनलर्नड एंड दे आर कंप्लीटली कैनॉट बी डिफाइंड बाय इन अ साइंटिफिक मैनर। तो ये मूल प्रवृत्ति क्या हुई, यौन मूल प्रवृत्ति जो है सेक्सुअल अर्जेस, वो सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं। अब इन सेक्सुअल अर्जेस को जो फ्यूल प्राप्त होता है, जो ईंधन प्राप्त होता है, वो किससे प्राप्त होता है? ये जो सेक्सुअल अर्जेस है, ये जो यौन मूल प्रवृत्ति है, ये ऑटोमेटिक होती तो है, लेकिन इस ऑटोमेटिक प्रक्रिया में कुछ ना कुछ एनर्जी तो मुझे चाहिए ना। यहाँ पर क्लास लेने में जैसे मुझे एनर्जी चाहिए खाना, वैसे ही इस यौन मूल प्रवृत्ति में कुछ ना कुछ ईंधन, कुछ ना कुछ एनर्जी की तो ज़रूरत होगी। और इसी एनर्जी की सहायता से ये यौन मूल प्रवृत्ति जो है ये
प्रोसेसिंग में आएगी। तो इसी यौन मूल प्रवृत्ति के लिए जो इंजन का काम करता है, जो फ्यूल का काम करता है, उसको हमने क्या कहा है, उसको हमने कहा है लिबिडो। माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरे बाल की वजह से शायद ये राइटिंग चेंज हो रही है, इसमें कुछ मिस्टेक्स आ गई हैं। इरोस को वापस आप लिख लीजिए। इरोस जो है, जो जीवन जीने की प्रबल इच्छा है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, उसकी मूल प्रवृत्ति आप मानेंगे यौन मूल प्रवृत्ति होगी। इरोस में मूल प्रवृत्ति क्या मानेंगे आप, यौन। यौन मूल प्रवृत्ति हो गई भाई। इंसान अपने वंश को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, डेफिनेटली यौन प्रक्रिया के द्वारा वो मल्टीप्लाई होंगे। अब ये जो यौन मूल प्रवृत्ति है, इसका फ्यूल क्या है, इसका फ्यूल है लिबिडो। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए लिबिडो वाला टर्म किसके द्वारा दिया गया, तो सिगमंड फ्रायड ने ये टर्म दिया है, दैट इज कॉल्ड लिबिडो। ठीक है, लिबिडो क्या है, यौन मूल प्रवृत्ति, अपनी एनर्जी, अपना फ्यूल जो प्राप्त करता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एनर्जी, ऊर्जा। जो ऊर्जा प्राप्त होती है यौन मूल प्रवृत्ति को, एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्यूल कहाँ से मिलता है, सो दैट फ्यूल इज कॉल्ड लिबिडो। ठीक है, आपको याद रहेगा लिबिडो। तो लिबिडो की जो संरचना हुई है, जो डिज़ाइन हुआ है, जो निर्माण हुआ है, ये जो ऊर्जा है जिसको हम लिबिडो कह रहे हैं, ये ऊर्जा कहाँ से, इस ऊर्जा को कहाँ से प्रेरणा मिलती है, तो इस ऊर्जा को इड से, इदम से जो है वो प्रेरणा मिलती है। इदम, इदम यानी कि क्या, हम आगे सीखेंगे वीडियो में कि इड मतलब क्या होता है। इड मतलब होता है सबसे ज़्यादा हमारा जो इड, ईगो और सुपर ईगो का प्रिंसिपल है, उसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव पार्ट जो है वो इड का है। इड मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा अभी जान लेते हैं कि इड मतलब इंसान का ऐसा एग्रेशन जिसमें उसको कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो वो इमीडिएटली चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके पीछे के रीजंस कुछ भी हों कि वो अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे बच्चा किसी खिलौने की ज़िद कर रहा है, हम माँ बाप उसको समझाते हैं वापस आके ले लेंगे, दूसरा खिलौना ले लेंगे, इसका अच्छा वर्जन ले लेंगे, अभी पैसे नहीं हैं, अभी ये दुकान बहुत दूर है, घर जाने में देर हो रही है, कोई भी रीज़न बता दो, बट उस बच्चे को वो खिलौना उस वक्त, उसी के उसी वक्त चाहिए। जैसे सिंघम का डायलॉग है, अभी के अभी मैं आपका खात्मा कर सकता हूँ, अभी के अभी इन गांव वालों को बोलूँ तो ये आपका मर्डर कर देंगे, अभी के अभी मैं आपको हथकड़ी पहना के जेल में डाल सकता हूँ। तो ये जो अभी के अभी का प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड इड प्रिंसिपल, इदम प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। इमीडिएट एक्शन लेना है, बस अभी के अभी खिलौना चाहिए, चाहे आपका आपके पास पैसे हों चाहे ना हो, माँ बाप की कंडीशन क्या है, इट डजंट मैटर। बच्चा रो रहा है, वो अपने खुद के कपड़े फाड़ देगा और कहेगा मुझे खिलौना चाहिए ही चाहिए, मैं नहीं जानता, मैं इस दुकान से ही नहीं जाऊँगा ये खिलौना ये बिना। और ये दुकान वाले भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कनिंग होते हैं, ये सारे आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स और सब के जो पैकेट्स हैं, वो सारे के सारे पैकेट्स और सारी के सारी मशीन, सारे के सारे फ्रिज, वो ऐसे जगह पे रखते हैं कि कोई ग्राहक जो आएगा वो उसे टकरा कर ही आगे जाएगा, या फिर बिल्कुल विजिबल वाली एरिया में रखते हैं ताकि बच्चे उन चॉकलेट्स को देखें और उन चॉकलेट्स को देखते ही उनका इड जागृत हो जाए और वो जिद करने लग जाएं कि मुझे किसी भी हालत में ये चॉकलेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस लिबिडो को जो एग्रेशन प्राप्त हुआ है वो किससे प्राप्त हुआ है, इड से प्राप्त हुआ है। और इड कहाँ है वो हम देखेंगे, उस इड का एड्रेस क्या है प्रॉपर, वो भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आप ये समझें कि मूल प्रवृत्ति जो है वो इंसान के व्यवहार की मूल प्रवृत्ति जो है वो यौन मूल प्रवृत्ति मानी जाती है। और सेक्सुअल अर्जिस हम क्यों करना चाहते हैं, सेक्सुअल अर्जिस इट इज़ ऑटोमेटिक एक्शन, रिफ्लैक्स एक्शन। और ये ऑटोमेटिक एक्शन जो होता है वो क्यों होता है, ताकि हमारा वंश जो है वो बरकरार रहे। और इस ऑटोमेटिक एक्शन के पीछे जो फ्यूल है, वो फ्यूल उसका नाम है लिबिडो। और लिबिडो क्या करता है, इस यौन मूल प्रवृत्ति को ऊर्जा देने का काम करता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, तो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसकी व्याख्या मैंने करने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इन मूल प्रवृत्तियों को हमने समझ लिया, यौन मूल प्रवृत्ति समझ लिया, लिबिडो समझ लिया। अब वेरी फर्स्ट पॉइंट में सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ कि सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहला जो सिद्धांत दिया, सबसे पहला सिद्धांत आई मीन टू से कि बहुत इंपॉर्टेंट जो उनके नज़रिए में है, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल थ्योरी। और टोपोग्राफिकल थ्योरी को ही हम क्या कहते हैं, आकारात्मक सिद्धांत। ठीक है,
ठीक है, स्थलाकृति भी इसको कहते हैं, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए स्थलाकृति, स्थलाकृति कह सकते हैं, आकारात्मक कह सकते हैं, या टोपोग्राफिकल सिद्धांत जो है वो कह सकते हैं आप। सिर्फ ये नाम आपको अलग लग रहा है, बाकी इसकी चीजें जो है, इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो आपके बहुत जाने पहचाने हैं। एंड व्हाट आर दोज कॉम्पोनेंट्स? इन कॉम्पोनेंट्स में हमने पढ़ा कि टोपोग्राफिकल आकारात्मक में तीन तरह की बातें हमको देखनी है जो हमको ऑलरेडी आती हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होगा वहां पर हमारा फोकस रहेगा, अदरवाइज ये बातें हमें आती हैं। दैट इज कॉल्ड चेतन मन, अर्ध चेतन, ठीक है, चेतन मन, अर्ध चेतन और अचेतन, ये सारी चीजें सबको आती हैं, बिल्कुल आती हैं। ये 9/10 होता है हमारे पूरे माइंड का, ये भी आता है। ये 1/10 होता है हमारे पूरे माइंड का, ये भी आता है, नथिंग स्पेशल। चेतन मन में क्या होता है, जो हम चेतन अवस्था में होते हैं, हम हमारे कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, हम जागृत अवस्था में होते हैं, उसको हमने कह दिया चेतन मन। जो हमारे जो भी वर्तमान अनुभव होते हैं वो किस में आएंगे, हमारे वर्तमान अनुभव आएंगे चेतन मन। कोई स्पेशल बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि चेतन मन में सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया। तो सिगमंड फ्रायड ने चेतन मन में बताया इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, वर्तमान अनुभव, कोई स्पेशल बात नहीं है। अर्ध चेतन में क्या है, अर्ध चेतन में भी कोई स्पेशल बात नहीं है कि अर्ध चेतन वो वाला स्तर होता है हमारे माइंड का, जो मानव व्यवहार कर रहा है माइंड से ही कर रहा है। तो माइंड में तीन तरह के स्थलाकृतियां होती हैं, तीन तरह के आकारात्मक डिजाइन होती है, दैट इज कॉल्ड चेतन, अर्ध चेतन और अवचेतन। तो अब यहाँ पर ये जो अर्ध चेतन है इसमें वो सारी बातें आती हैं, कैसी बातें, जो थोड़ा कोशिश करने पर याद आ जाती है, जो थोड़ा कोशिश करने पर हमारी चेतन अवस्था में आ जाती है। जैसे किसी का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, हमने उसकी शक्ल देखी और शक्ल देखने के बाद कहा कि अरे मैंने तुमको कहीं देखा है, लेकिन उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है, उसका खुद का नाम भी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वो थोड़ी कोशिश करेगा तो उसको उसका नाम याद आ जाएगा, व्यक्ति को नाम याद आ जाएगा। सो व्हाट इज दैट, दैट इज अर्ध चेतन। तो हमारे माइंड में ये जो तीन स्थलाकृतियाँ हैं इसमें से चेतन मन तो जो वास्तविक अनुभव कर रहा है वो, अर्ध चेतन मन क्या है, अर्ध चेतन मन थोड़ी कोशिश करने पर हमें पुरानी चीजें जो विस्मृति में चली गई थी वो वापस याद आ गई, दैट इज अर्ध चेतन, नथिंग स्पेशल। बात क्या है, अवचेतन की बात। सबसे स्पेशल हमारा फैक्टर होने वाला है अचेतन, जो हमारे पूरे मस्तिष्क का सिगमंड फ्रायड ने बताया 9/10 भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अचेतन मन में भी हमें पता है कि सारी ऐसी बातें होती हैं, कैसी बातें होती हैं, जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होती, और ये दमित इच्छाएं, ये सारी दमित इच्छाएं जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, समाज में ये ऑथेंटिक नहीं है, समाज में नहीं मानी गई है, उन सब को हम कहाँ डालकर ले जाते हैं, अचेतन मन में डाल देते। जैसे हमारे पूरे घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खराब तो नहीं है लेकिन वर्तमान में काम में नहीं आ रही है, तो हम उनको कहाँ रख देंगे, हम उनको रख देते हैं स्टोर हाउस में। हर घर में एक स्टोर हाउस होता है जहां पर मकड़ी के जाले जो है वो परमानेंट निवास, उनका मूल निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोहे के ड्रम है वो वहां पर रखे हैं, मेरी दादी जी जो पित्तल का लोटा यूज करती थी वो वहां पर रख दिया, कोई दरी रखी है, कोई कुछ सिलेंडर रखा है, कुछ ऐसा गिटार रखा है वहां पर, खिलौना जो मेरा बच्चा जो है वो बचपन में यूज किया करता था, अब मेरा बच्चा जो है वही मेरे बराबर आ चुका है, 35 साल का हो चुका है। तो इस तरह के सारे एसेसरीज जो घर में है जिन्हें हम फेंकना नहीं चाहते और मकड़ियों और छिपकलियों का घर हो जाता है, तो वो कहाँ होता है, स्टोर हाउस में, राइट? यू एग्री विथ माई पॉइंट? तो यहाँ पर ये स्टोर हाउस, यहाँ पर माइंड का स्टोर हाउस क्या होगा, माइंड का स्टोर हाउस होगा आपका ये अचेतन मन। और अचेतन मन में सिर्फ और सिर्फ वही बातें आती हैं जो समाज द्वारा मान्य नहीं है, जो समाज द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं। ऑल दोज एपिसोड्स आर कलेक्टेड इन व्हाट सेगमेंट, इन अचेतन मन। और इस अचेतन में सारी वो दमित इच्छाएं जिनको दबा दिया जाता है, वो दमित इच्छाएं कहां पर जाके कलेक्ट हो जाती हैं, अचेतन मन में। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में अगर ये आपके लिए लिख दिया जाए जैसे कि ड्रीम्स,
ठीक है, ड्रीम्स, सोमनेबुलिज्म, सोमनेबुलिज्म, स्लिप ऑफ टंग, ये सिगमंड फ्रायड द्वारा बताए गए स्थलाकृति का कौन सा भाग माना जा सकता है? तो आप क्या कहेंगे? अचेतन मन, क्योंकि ये वो स्टोर हाउस है जहां पर हमारी सारी दमित इच्छाएं जो हैं वो कलेक्ट कर ली जाती हैं। और ये दमित इच्छाएं कैसी वाली दमित इच्छाएं होती हैं? जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं करती हैं। वो सारी चीजें जिनको हमने दबा दिया है वो कब आएंगी? वो ड्रीम्स में आएंगी। हमारे सपनों में वही बातें आती हैं जिनको हमने अचेतन मन में ढकेल दिया है। एक बात तो ये, स्लिप ऑफ टंग, हमारी जिबान पर कई बार वो बातें आ जाती हैं जिसको हमने दबा के रखा है। हम कहते हैं ना कि गुस्से में, हमेशा गुस्से में और नशे में हम वो चीज़ें बोल जाते हैं जो सच्चाई होती है, जिसको हम नॉर्मल रूप में तो कभी नहीं बोलते, लेकिन गुस्से और नशे में हमारे मुंह से वो चीज़ें निकल जाती हैं जो हमने कहाँ रख रखी हैं? अचेतन मन में रख रखी हैं। तो इसी को हम कहेंगे स्लिप ऑफ टंग। जैसे कि मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और बीवी ने कोई बहस हो गई और फिर जवाब दे दिया कि अच्छा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या मैं अगर मना कर दूंगी तो तुम वहाँ पे नहीं जाओगे? तो कहेंगे नहीं भाई, मना कर दोगे तो भी जाऊँगा ही, लेकिन अगर हाँ कर दोगी तो खुशी से जाऊँगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? स्लिप ऑफ टंग, मतलब बीवी जो है वो अपने पुराने स्टोर हाउस में कलेक्ट मेमोरीज की, पहले भी गए थे और लड़ाई करके वापस आए थे, तो यहाँ पर वो मेमोरीज की वजह से उसका स्लिप ऑफ टंग हो गया और उसने बोल दिया कि हाँ तुम वहाँ पर मजे करने जा रहे हो, कोई ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक काम नहीं है। सो व्हाट इज़ दैट? स्लिप ऑफ टंग। और ये स्लिप ऑफ टंग क्यों होता है? क्योंकि ये विचार आपके अचेतन मन में संग्रहित था और इसके बाद अचानक से आपके चेतन मन में ट्रांसफर हो जाता है और जुबा पर आ जाता है। तो इसी वजह से जो अजय देवगन है वो कहता है जुबा केसरी, तो दैट इज कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग। तो ये स्लिप ऑफ टंग क्यों हुआ? बिकॉज दमित इच्छाएं अचानक से एक सेकेंड के लिए चेतन मन में आ गई। फिर देखें सोमनेबुलिज्म, ये सोमनेबुलिज्म हमारे इंग्लिश लिटरेचर के मैटर में भी आता है। मैकबेथ का अगर आपने जो है ड्रामा शेक्सपियर का पढ़ा हो तो उसमें जो लेडी मैकबेथ है वो नींद में चलने लगती है और कुछ बड़बड़ाती हुई अपने जो मन के विचार हैं वो प्रकट करती है। उसे पता नहीं होता कि उसके मन के जो विचार हैं वो बड़बड़ा रही है, दूसरों को सुना रही है, और अगर इन कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को किसी और ने सुन लिया तो इससे भी बड़ा हादसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर सोमनेबुलिज्म मतलब क्या होता है? स्लीप वॉकिंग। तो जब आप सोए हुए हैं और सोए हुए अवस्था में ही आप पैदल पैदल चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं और वापस अपनी जगह पर आकर सो जाते हैं, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड सोमनेबुलिज्म। जैसे इनसोमनिया हमने देखा, आमिर खान ने गाना गाया था ना मुझे नींद ना आए, तो वैसे ही इनसोमनिया जैसे सोमनेबुलिज्म की प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड स्लीप वॉकिंग। आप नींद में चलते हैं, कुछ बड़बड़ा भी सकते हैं और वो बड़बड़ाहट किससे रिलेटेड होगी? अचेतन मन से होगी। आपकी दमित जो इच्छाएं हैं वो सारी दमित इच्छाएं अब आप जब गहरी नींद में चल रहे हैं तब वो दमित इच्छाएं जो है वो प्रकट होंगी। जैसे सुनील शेट्टी ने बोला था धड़कन वाली मूवी में कि तुम किसी और को प्यार करो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें प्यार नहीं करूं ऐसा हो नहीं सकता। तो इस तरह से इस तरह की सारी जो एपिसोड्स हैं जो आपने दबा दिए, स्टोर हाउस में रख दिए हैं, वो सोमनेबुलिज्म वाली प्रॉब्लम के रूप में आपके सामने वापस आ सकते हैं। एक सीरियल भी आता था मानो या ना मानो, तो उसमें भी यही चीज़ बताई है कि आप ऐसी कुछ चीज़ें हमारे संसार में होती हैं कि आप उन्हें मानो या ना मानो लेकिन होती हैं। जैसे पूर्व जन्म की बातें याद आ गई किसी को, और जैसे कोरोना में भी कहते हैं कि सारा पुरानी पुरानी चीज़ें घर बैठे याद आ रही हैं, सारे पुराने एपिसोड जो झगड़े हुए थे, जो यादें हैं, जो पुराने डायलॉग्स हैं, वो सब याद आ रहे हैं। तो अगर इतना ही याद आने लगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे मेरा पूर्व जन्म ही याद आ जाए। तो ये क्या है? ये जो याद आने की स्थिति है, ये सारी पास्ट मेमोरीज ही आपको याद आएंगी, एंड ऑल दोज पास्ट मेमोरीज विल डेफिनेटली बी डिप्रेस्ड। ये सारा एग्रेशन वाली जो मेमोरीज हैं ये आपने कहाँ रख रखी हैं? अचेतन मन में रख रखी हैं। तो इसमें से पूरी व्याख्या में से ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपको बता दी जाएं और पूछा जाए कि ये सिगमंड फ्रायड के स्थलाकृति सिद्धांत में कौन से सेगमेंट से रिलेटेड हैं, तो आपका आंसर होगा अचेतन मन। फिर आपसे पूछा जाए कि दमित इच्छाएं कहाँ पर संग्रहित हो जाती हैं,
जिनका जिनको समाज मान्यता नहीं देता या फिर जिनको करने में हम भी थोड़ा असहज महसूस करते हैं, तो वो सारी बातें कलेक्ट हो जाएंगी अचेतन मन में। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन, ठीक है, इसका टॉपिक क्या है, ये कौन से सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में आया है। तो ये सिगमंड फ्रायड का जो सेगमेंट होगा वो कहलाएगा टोपोग्राफिकल, स्थलाकृति या आकारात्मक सिद्धांत। इसी में इन्होंने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन की बात की है। तो ये टॉपिक भी आपसे पूछ सकते हैं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल टॉपिक, ठीक है। स्थलाकृति थ्योरी, टोपोग्राफिकल थ्योरी जो दी, इसी में इन्होंने ये तीन सिद्धांत बताए हैं। हम सिंपली ये जानते हैं कि ये तीन सिद्धांत किसके, सिगमंड फ्रायड के, लेकिन कौन से में बताए ये थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। फिर इसमें अचेतन में दमित इच्छाएं हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एग्जाम से पहले, ताकि आप आंसर अच्छे से दे पाए। तो चले आगे, अब हम इसका दूसरा सिद्धांत देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक मॉडल और संरचनात्मक व्यवस्था, ठीक है, संरचनात्मक सिद्धांत। पहले हमने क्या देखा था, स्थलाकृति सिद्धांत या टोपोग्राफिकल थ्योरी जो थी वो देखी, अब हम देख रहे हैं संरचनात्मक मॉडल या डायनामिक मॉडल। इसमें क्या देखेंगे, इसमें भी सारी चीज़ों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, तो मैं आपको बहुत जल्दी से इसको क्विक एक समरी के रूप में रिव्यू कर देते हैं हम। इसमें सबसे पहले डायनामिक मॉडल में इन्होंने बताया कौन सा पार्ट, इड होता है। सेकंड इन्होंने बताया ईगो होता है, और थर्ड इन्होंने बताया सुपर ईगो होता है। नथिंग स्पेशल, आप सभी को ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर अब हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में इन्होंने स्पेशल क्या बताया। तो फर्स्ट पार्ट को इन्होंने कहा क्या, डेविल इन अ मैन, डेविल इन अ मैन कहा। ये भी कोई स्पेशल बात नहीं है कि जो मानव का जो डायनामिक मॉडल है उसमें इन्होंने जो तीन बातें बताई है, इसमें इड जो है वो डेविल इन अ मैन है, मनुष्य में जो राक्षस होता है उसको हम कहते हैं इदम। इसको हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है इदम। ईगो हो जाएगा आपका अहम, और सुपर ईगो हो जाएगा आपका परा अहम, ठीक है। ये सब चीजें मैं मानती हूं कि आपको ऑलरेडी आती हैं, डेविल इन अ मैन, इस तरह का स्टेटमेंट भी आपको आता है। अब जो स्पेशल बात मैं आपको बताने जा रही हूं वो ये है कि इदम जो है वो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, मनुष्य में जन्म से ही होता है क्या, इड। इट इज द इनेट, इट इज द काइंड ऑफ इनेट एक्टिविटी और इनेट ट्रेड, यू कैन से इनेट यानी कि जन्मजात, INNATE। तो ये जो प्रवृत्ति होती है इड की, इदम की, ये कैसी होती है, जन्मजात होती है। डेविल इन अ मैन तो आपको पता ही है, और ये सेक्सुअल अर्जिस से रिलेटेड होती है, और कैसी होती है, ये एग्रेसिव होती है, कैसी होती है, आक्रामक होती है, एग्रेसिव होती है, सेक्सुअल अर्जिस से रिलेटेड होती है। इदम जो है वो जन्मजात होता है, ये सारी बातें हमें पता है। डेविल इन अ मैन होता है, ये भी हमें पता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, कि ये नियम नहीं जानता है। एक बच्चा जो है उसको अगर आप नियम बताएंगे तो वो नियम नहीं जानेगा, नियम जानने की कोशिश नहीं करेगा और नियम समझ नहीं सकता। यहां तक हम सभी को ये बातें आती हैं, ये सारे पॉइंट्स में जानती हूं कि आपको आते हैं, लेकिन सबसे एक्सक्लूसिव पॉइंट जो हमें नहीं आता वो क्या है, कि ये जो इड है ये किसका पार्ट है, ये अचेतन मन कहा जाता है। अभी हमने कहा ना दमित इच्छाएं, तो ये जो अचेतन मन है इसको किससे कोरिलेट करेंगे आप, इड से कोरिलेट किया जाता है। बात समझ में आई, ये सारे पॉइंट्स आपको आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, आपने 100 बार पढ़ रखे कि इड को इदम भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है डेविल इन अ मैन, फिर इसको हम कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। तो ये सारे नाम आप पढ़ चुके हैं, फिर ये जन्मजात, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ प्लेजर प्रिंसिपल, ताकि आपको अच्छे से, और इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल, हालांकि कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, ये हमें आते हैं। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो एक्सक्लूसिव है। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल है, डेविल इन अ मैन है, जन्मजात है, सेक्सुअल होता है ये इड जो है, सेक्सुअल अर्जेस इसमें होती हैं, यौन मूल प्रवृत्ति हम पढ़ी चुके हैं, आक्रामक होता है ये इड, एग्रेसिव होता है। अब डेविल लिख रहे हैं तो आक्रामक तो हो गई,
एग्रेसिव होता है, फिर ये कोई नियमों में नहीं बनना चाहता, नियम नहीं मानता, नियम नहीं समझता। इड जो है वो नियम प्रिंसिपल समझता ही नहीं, उसको तो बस चाहिए तो चाहिए, इमीडिएट एक्सपीरियंस उसको चाहिए, इमीडिएट जो भी चीज़ें हैं, एज इट इज़ कॉल्ड प्लेजर प्रिंसिपल, तो इमीडिएटली उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, अनकंडीशनल। अब बाकी पीछे कितनी भी कंडीशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं जानता, उसको इमीडिएटली वो जो प्लेजर है उसको फुलफिल करना है, ये इसका टारगेट होता है। तो ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन एक बात जो वेरी स्पेशल है वो क्या है कि ये अचेतन मन से हम इसको को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अचेतन मन में हमने क्या सीखा था, सारी दमित इच्छाएं जो समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है और आप खुद भी इसको दबाते हैं, क्यों, क्योंकि समाज में मान्यता प्राप्त नहीं तो दबाएंगे, तो ये सारी चीजें जिसको आपने क्या कर रखा है, दमित इच्छा के रूप में दबा रखा है, उसी को कोरिलेट कर सकते हैं हम किससे, इदम से और इड से। सो इड कैन बी इजिली कोरिलेटेड विद द फैक्टर ऑफ टोपोग्राफिकल फैक्टर दैट इज कॉल्ड अचेतन मन, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, सेक्सुअल अर्जीज आ रही हैं, इसमें भी क्या आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, तो एग्रेशन हमारे समाज में मान्य नहीं है, मना कर रखा है, तो यहाँ पर ये एग्रेशन जो है ये इड में आपको देखने को मिलेगा, एज इट इज अ प्लेजर प्रिंसिपल, उसको सिर्फ और सिर्फ सुखवादी वो कामना करता है, इसके अलावा क्या परेशानियां कठिनाइयां हैं उसको कोई मतलब नहीं है। तो इड में ये सारी बातें आती है, नियम को फॉलो नहीं करता है, बट द एक्सक्लूसिव थिंग इज दैट वी कैन इजीली कोरिलेट विद अचेतन मन, क्योंकि अचेतन मन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे ही हैं। नेक्स्ट देखें हम ईगो, ईगो में हम क्या देखेंगे कि एक से डेढ़ साल के बच्चे में, एक से डेढ़ साल के वर्ष में ये जो है वो ईगो जो है वो डेवलप होता है, अहम जो है वो विकसित हो जाता है, ये बात भी हमें पता है। अब क्या बात जाननी है कि एक से डेढ़ वर्ष में ये विकसित हो जाता है अहम, फिर इसको रियलिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है, नथिंग स्पेशल, रियलिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, नथिंग स्पेशल, व्यक्ति का पर्सनैलिटी जो है वो इसी से डेवलप होती है, नथिंग स्पेशल, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, देखिए वापस विकास शब्द आ रहा है, बाल विकास वाला ही टॉपिक हमारा चल रहा है, तो व्यक्तित्व का जो कार्यपालक है, व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है, ये ईगो है, ये भी कोई स्पेशल नहीं, ठीक है, लेकिन ये ईगो जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो ईगो है ये किससे डेवलप हुआ है, ये इड से ही डेवलप हुआ है, ठीक है, तो जब इड से डेवलप हुआ है तो क्या इसमें भी एग्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, तो ये एग्रेशन को क्या करता है, जो एग्रेशन इसमें इड में पाया जाता है, जबकि ये व्यक्तित्व का कार्यपालक है, ये रियलिटी प्रिंसिपल है, यहाँ पर जो वास्तविकता है वो उसी को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो ये बैलेंस करने के लिए क्या करता है, क्योंकि ये इड से डेवलप हुआ है लेकिन फिर भी ये क्या करता है, ये दमन उपक्रम का प्रयोग करके, क्या करता है, ये दमन उपक्रम का प्रयोग करके इड की सारी बातों को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, हालांकि इसकी उत्पत्ति इड से हुई है लेकिन फिर भी ये एक उपक्रम का प्रयोग करता है, एक एपरेटस का प्रयोग करता है जिसको हम कहते हैं दमन, अभी हमने देखा ना दमित इच्छाएं, तो ये सारी दमित इच्छाओं के स्टोर हाउस में ये सारा कार्यक्रम डाल देता है, कौन, ईगो। अब ये इड तो इसको कह रहा है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जा, आरपीएससी में जाओ, वहां के चेयरपर्सन का गला पकड़ो और रीट में सिलेक्शन ले लो, ये तो ये कह रहा है, कौन, इड, लेकिन ये क्या करेगा, रियलिटी प्रिंसिपल, वास्तविक जो ईगो है वो बैलेंस करने का कार्य करता है, व्यक्तित्व का कार्यपालक है, तो ये क्या करेगा, इसकी ऐसी सारी भावनाओं को क्या करेगा, ये दमन उपक्रम का प्रयोग करके सारी इड की भावनाओं को निष्क्रिय कर देगा, यानी कि अचेतन मन में ढकेल देगा। बाकी जो भी रीट के एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके मन के भाव पूछे जाएं, तो हो सकता है कुछ ये बोल दें कि हाँ हमें तो ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी भी मंत्री को काट दिया जाए और ये जो वैकेंसी है इसको 30,000 से 50,000 1,00,000 कर दिया जाए और आज के आज एग्जाम करा दिया जाए, तो ये सब क्या है, एग्रेशन है, पानी की टंकी पर चढ़कर जो है वो हिंसात्मक रूप धारण किया जा रहा है, लोगों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, स्ट्राइक्स की जा रही है और अभी के अभी एग्जाम कराओ ये घोषणा की जा रही है, तो ये सारी चीजें सारे षड्यंत्र में एग्रेशन जब नाम आता है तो वो क्या है, इड है।
लेकिन वापस ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है, और रियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अरे ये जो धैर्य आप रख रहे हैं, एग्जाम की डेट आने से पहले जो तैयारी आप कर रहे हैं, और ये परिस्थितियों का सामना जो आप कर रहे हैं, ये परीक्षा से पूर्व की परीक्षा है, ठीक है। तो ये कौन समझा रहा है? ईगो समझा रहा है। और ऐसे सारे एग्रेशन को कि सारे मंत्रियों का गला काट दिया जाए, आरपीएससी में आग लगा दी जाए, इन सारे के सारे एग्रेशन वाली बातों को ये ईगो क्या कर रहा है? दमन उपक्रम का प्रयोग करके और उसे अचेतन मन में धकेल देता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अनुचित बात है, ये बिल्कुल गलत है, ये मॉरेलिटीज के खिलाफ है, मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कौन सा उपक्रम प्रयोग में किया गया, ये आपको याद रखना है, दमन उपक्रम, ठीक है। फिर आपको क्या बात याद रखनी है कि सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया है? सिगमंड फ्रायड ने इदम और अहम को क्या बताया है? उन्होंने इसकी तुलना किससे की है? तो उन्होंने इसकी तुलना की है घोड़े और घुड़सवार से। ये तो हो गया घोड़ा, और इदम हो गया आपका, सॉरी, इड हो गया आपका घोड़ा, और इदम हो गया आपका घुड़सवार। आई विल इरेज दैट, ठीक है। ईगो को उन्होंने क्या बताया? ईगो को उन्होंने बताया घुड़सवार। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, उसमें इड और ईगो की तुलना किससे की गई है, या किस उदाहरण के द्वारा समझाया गया है? तो हम तो कोई सा भी उदाहरण दे दें, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने कौन सा दिया है? सिगमंड फ्रायड ने बताया कि ईगो जो है वो घुड़सवार है, और घोड़ा जो है वो इदम है। तो अब क्या होगा? घुड़सवार के अकॉर्डिंग घोड़ा चलेगा, ठीक है। जैसा घुड़सवार चाहेगा वैसा उस रास्ते पर घोड़ा जाएगा, जैसा कि चेटक घोड़ा था। भाई चेटक घोड़े को राणा प्रताप ने लिया ही इसलिए था क्योंकि उसके मालिक ने कहा था, जो घोड़े को जो बेच रहा था उसने कहा था राणा प्रताप को कि आप इसको अगर अपना घोड़ा बना लेते हैं और इसको खरीद लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के दिशा निर्देशों पर ही चलता है। आप इसको कहेंगे बैठ तो ये बैठ जाएगा, आप इसको कहेंगे चल तो चलेगा, दिन तो दिन, रात तो रात। तो यहाँ पर इस चीज़ से वो बहुत इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने उसको एक चुनौती दी, चेटक घोड़े को एक कंपटीशन का, वो उन्होंने चेक करना चाहा कि देखते हैं कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बेचने वाला। तो उन्होंने उस घोड़े को बहुत टाइट खूंटे से बांध दिया, और टाइट खूंटे से बांधने के बाद में उन्होंने कोई तीर छोड़ा और पूछा कि भाई इस घोड़े को यहाँ इस तीर को पकड़ के लाने को कहा गया, ठीक है। तो जो वो खूंटा बांधा गया था बहुत टाइट था, लेकिन फिर भी उस घोड़े ने अपने मालिक की बात मानी और सिर आंखों पर रखी, और उस खूंटे को तोड़ते हुए वो घोड़ा तेज रफ्तार से आगे चला गया। तब राणा प्रताप को विश्वास हुआ कि नहीं, ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल अपने स्वामी का स्वामी भक्त है, इसने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारी कहानी मैंने सुनाई, ये किस हिसाब से बताई कि यहाँ पर ये जो घुड़सवार है उसके अकॉर्डिंग ही घोड़ा चलेगा। लेकिन क्या कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि घोड़ा पागल हो गया और घोड़ा अपनी मन मर्जी से कहीं भी जा रहा है, स्वच्छंद हो गया, तो और घुड़सवार का उस पर कंट्रोल नहीं है, तो क्या ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो सिगमंड फ्रायड ने इस घोड़े और घुड़सवार का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि ईगो और इड का वही संबंध है जो एक घोड़े और घुड़सवार का होता है। हमेशा घोड़ा नियंत्रण में रहना चाहिए, किसके? घुड़सवार के। हमेशा आपका माइंड आपके नियंत्रण में होना चाहिए। अगर हमारा माइंड हमें चलाने लगे तो फिर कुछ बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो वैसे ही केस इड और ईगो में संबंध है एक घोड़े और घुड़सवार का। किसने बताया? सिगमंड फ्रायड ने बताया। तो ये नई बात, ये नया एग्जाम्पल आपको देखने को मिला जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो हमें ये समझ में भी आ गया। और दमन नाप का उपक्रम आपको याद रखना है, उसके अलावा सारी बातें आपकी जानी पहचानी है। तो इस सुपर ईगो में हमने देखा कि ये बहुत अनरियलिस्टिक होता है, बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, मोरालिटी प्रिंसिपल है, नैतिकता की बात करता है। जैसे कोई साध्वी जो है, वो कोई महिला जो है जो परिवार में रह रही है, शादीशुदा है, उसकी संतान भी है, और उस साध्वी के मन में सुपर ईगो जाग जाता है और वो अब क्या बनना चाहती है? एक साध्वी बनना चाहती है। वो महिला, शादीशुदा महिला, अब साध्वी बनना चाहती है। तो साध्वी बनना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मॉरेलिटी प्रिंसिपल है, नैतिकता है कि अपना सारा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे। लेकिन वो साध्वी बनने में उस संतान की क्या क्या दोष है? उस संतान का क्या होगा उसके बाद में? अगर वो
महिला जो है अपना शादीशुदा जीवन छोड़कर साध्वी बन जाती है तो उस संतान पर उसका बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ सकता है और उसका परिवार जो है वो किस तरह से जीवन यापन करेगा, इस तरह के प्रश्नों का जवाब ये सुपर ईगो नहीं दे पाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक इन नेचर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉरेलिटी प्रिंसिपल। ये नैतिकता की बातें तो करता है जो अच्छी है, लेकिन कैसी है, अनरियलिस्टिक है, इसको कार्य रूप में परिणित करना संभव नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो। यहां तक हम सभी जानते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन एक फैक्ट जो आपको और आना चाहिए वो मैं यहां पर लिख देती हूं। अब इसमें जो दो फैक्ट आपको याद रखने हैं वो क्या है, अहम आदर्श, इस सुपर ईगो को दो में डिवाइड किया गया है, अहम आदर्श, अहम आदर्श एवं अंतःकरण। सुपर ईगो को किस में डिवाइड किया गया है, दो में, अहम आदर्श और अंतःकरण, जिसको हम और आइडेंटिफाई कर सकते हैं डूज एंड डोंट्स। ये हो गया डूज, क्या करना है, और ये हो गया डोंट्स, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें सुपर ईगो में आती है। सुपर ईगो में भी और दो सब डिविजन्स हैं, जिसको हमने कहा अहम आदर्श और अंतःकरण। अहम आदर्श में आएंगी सारी करने वाली बातें डूज, और अंतःकरण में आएगा सारा डोंट्स। ये आपको चीज़ याद रखनी है, बाकी सुपर ईगो से रिलेटेड सारी बातें आपको पता है। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा एग्जाम्पल यूज़ किया इड और ईगो को समझाने के लिए, वो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, एक घोड़े और घुड़सवार का। इस तरह से हमने ये पूरा किया संरचनात्मक मॉडल, और दूसरा था हमारा स्थलाकृति मॉडल। तो इस तरह से ये दो मॉडल हमने कंप्लीट किए, जिसमें काफ़ी सारी बातें आपको आती थी, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ कि एक एक पॉइंट, अगर इस सारे व्याख्या में आपको एक पॉइंट भी नहीं आता है और खुदा ना खास्ता वही पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ जाए तो हमारी बैंड बच सकती है। इस वजह से हम पहले से ही अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, हमें समय मिला है तो इस समय का सदुपयोग करते हुए वो चीज़ें सीखें, बहुत आसानी से सीखें, जिससे हमारा कि आंसर करेक्ट हो जाए, राइट? तो यहाँ तक आपको ये सिद्धांत समझ में आया है। अब इसके आगे कुछ मैं एक टर्म और बता रही हूँ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत फायदा होगा, और इस मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको इतना टफ बताऊँ जो आपको नहीं आता है और आप ये सोचने लग जाओ कि हाँ हाँ बहुत टफ है, हमें आता नहीं है तो सीखना है। मैं, मेरा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है आपके एग्जाम को लेकर, कि रीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको आते हैं कि नहीं, और वो नहीं आते हैं तो उसके लिए प्रयास और कोशिश करने के लिए ही ये वीडियोस बनाए गए हैं। तो देखिए सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड हमें कौन सा एक टर्म और ऐसा है जो कि सीखना है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि सिगमंड फ्रायड ने कौन कौन सी मनोलैंगिक अवस्थाएं, जो लैंगिक अवस्थाएं हैं वो बताई हैं, तो वो लैंगिक अवस्थाओं को सीखने से पहले हमें एक टर्म बहुत अच्छे से आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन। उसे हम क्या कहेंगे, फिक्सेशन, या उसे हम क्या कह सकते हैं, स्थिरीकरण। फिक्सेशन या स्थिरीकरण, क्या है ये फिक्सेशन और स्थिरीकरण, तो इसको हम जानते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, लैंगिक अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। स्थिरीकरण से तात्पर्य यह है कि किसी एक अवस्था से गुजरने के बाद, एक अवस्था जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक अवस्था के पूर्ण होने के बाद, ये कंप्लीट हो गई, एक अवस्था के पूर्ण होने के बाद दूसरी अवस्था में भी पहली अवस्था के गुण पाए जाते हैं। पहली वाली अवस्था के लक्षण अगर बाद वाली अवस्था में भी दिखाई दे तो उसे कहते हैं फिक्सेशन। जैसे हमने देखा है कि कुछ लड़कियों को फादर फिक्सेशन होता है, उनकी शादी हो गई है लेकिन उसके बाद भी वो अपने पहले वाली अवस्था को ही याद करती है कि मेरे पापा तो हर शनिवार को जलेबी लाया करते थे, जब भी वो जॉब से आते थे तो उसके बाद में कुछ ना कुछ सामान मेरे लिए लाया करते थे, कभी जलेबी, कभी रसगुल्ले, कभी डॉल। और अब उस महिला की शादी हो चुकी है और वो अपने पति से भी यही अपेक्षा कर रही है कि उसके पति जब ऑफिस से घर आए तो वह कुछ ना कुछ सामान उसके लिए लेके आए। तो व्हाट इज दैट, फादर फिक्सेशन। फिक्सेशन यानी कि वो अवस्था पूर्ण हो चुकी है, दूसरी अवस्था आ चुकी है, लेकिन पहले वाली अवस्था के लक्षण इस नेक्स्ट स्टेज में भी दिखाई देना, इसको हम कहते हैं फिक्सेशन।
तो सिगमंड फ्रायड के जो लैंगिक अवस्थाएं, जो लैंगिक स्टेजेस हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें ये फिक्सेशन वर्ड आपके बहुत काम आएगा। या सिंपली ये पूछ सकते हैं कि ये टर्म किसने दिया, ये सिंपली पूछ सकते हैं कि ये सिद्धांत जो है, ये कौन से सिद्धांत में ये टर्म काम आता है, या ये सिंपली पूछ सकते हैं कि फिक्सेशन का मतलब बताइए। तो आपको आना चाहिए कि फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण, और स्थिरीकरण में पूर्व अवस्था के जो लक्षण है वो बाद वाली अवस्था में भी दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं, तो इस वजह से इसे फिक्सेशन कहा जाता है। फादर फिक्सेशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया, जिससे आपको ये टर्म बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो पतिदेव से भी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे पिताजी जैसे हमें ऑफिस से आते ही बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारी गिफ्ट लाए, बहुत सारी चीज़ें दें, जैसे मेरे फादर करते थे वैसे ही मेरे हस्बैंड भी करें, ये अपेक्षा की जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फिक्सेशन। अरे भाई, अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आप दूसरे घर में आ चुके हैं, अब आप मैच्योर हो चुके हैं, वो हम नहीं समझना चाहते। हमारी जो आशाएँ हैं, जो हमारे पिताजी से थी, वही हमारे हस्बैंड से हैं, पतिदेव से हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फादर फिक्सेशन, और वो भी बहुत एक्सट्रीम पे है, दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन। तो यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी, और मैं कई सारे नए फैक्ट्स भी आपके सामने लेके आ रही हूं, जो कथन के रूप में आ सकते हैं, हाँ या नहीं, सत्य और असत्य के रूप में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ये मैं आशा करती हूं, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये मेरी द्वारा दी गई जो व्याख्या है, हमारा ये जो टीम वर्क है, ये आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कड़ी के साथ में, कि और सिगमंड फ्रायड ने जो अवस्थाएं बताई हैं उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और ये सारी बातें हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा के कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, एंड आई होप दिस वीडियो हैज सर्व इट्स पर्पस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।